बिहार में ये कोई नई बात नहीं है, जब जब हरे टोपियों वाले की सरकार आई है उनके साथ हरे चादर वाले आए हैं तब तब ये हुआ है। तेजस्वी यादव जो कि नवीं फेल है, नवीं की परीक्षा भी पास नहीं कर पाया, ऐसा उप मुख्यमंत्री मनीष कश्यप ऊपर कार्यवाही करके उनको जेल में ठूसने का प्रयास, काले विपरीत बुद्धि, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और ऐसे नौजवान साथी को अगर अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं तो पूरे बिहार ही नहीं, गलत नहीं किया है। मनीष कश्यप हमेशा न्याय की बात किया है, मनीष कश्यप हमेशा हिंदुत्व की बात किया है, राष्ट्रवादिता की बात की है, और इसलिए हम हर राष्ट्र दुनिया की कोई भी ताकत मनीष कश्यप को नहीं झुका सकती है। साथियों, बिहार के राष्ट्रवादी पत्रकार मनीष कश्यप के पीछे पूरी बिहार की सरकार लग गई है। जो नए नए यूट्यूबर मनीष कश्यप को देख के पत्रकार बने हैं, इस वक्त वो यूट्यूबर भी मनीष कश्यप की खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, पूरे देश में इस वक्त मनीष कश्यप का नाम छाया हुआ है, चारों तरफ मनीष कश्यप की वाहवाही हो रही है, और चौतरफा लोग कह रहे हैं कि मनीष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो निश्चित तौर पे मैं उत्तर प्रदेश का पत्रकार हूं और उत्तर प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं, खासकर जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो जमीन पर लोगों की आवाज उठा रहे हैं, और खासकर जो लोग राष्ट्रवादी काम कर रहे हैं। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए भदोही के हिंदूवादी नेता शशांक मिश्रा मेरे साथ हैं। क्या कहिएगा, इस देश में राष्ट्रवादी पत्रकार होना भी गुनाह हो गया है। देखिए ना, बिहार के राष्ट्रवादी पत्रकार, पूरे भारत के राष्ट्रवादी पत्रकार मनीष कश्यप के साथ किस तरीके से जाति करी जा रही है। जहां विधर्मियों की सरकार है, जहां ऐसे लोगों की सरकार है जिन्हें भगवा और केसरिया से नफरत है, जहां ऐसे लोगों की सरकार है जिन्हें हिंदुत्व से नफरत है, और उस राज्य में अगर आप राष्ट्रवादी पत्रकार अपने आप को कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदूवादी पत्रकार हूं, या आपके हाव भाव से लगेगा कि आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा होना ही है जैसा मनीष कश्यप के साथ हुआ है। बिहार में ये कोई नई बात नहीं है, जब जब हरे टोपियों वाली की सरकार आई है उनके साथ हरे चादर वाले आए हैं तब तब ये हुआ है कि हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात हुआ है और राष्ट्रवादी राष्ट्रवादियों की के ऊपर कुठाराघात हुआ है, और ऐसे लोगों के ऊपर वार हुआ है जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कई अखबारों ने ये खबर चलाई तमिलनाडु में जो कुछ भी हो रहा था, मैं खासकर मेरे पास भी फोन कॉल्स आए, तकरीबन कम से कम 100 से ज्यादा फोन कॉल्स तो मेरे पास आए, तो मैं कैसे कह दूं कि मनीष कश्यप जो है वो सरासर गलत है। कई अखबारों ने खबर चलाया, कई नेताओं ने ट्वीट किया, कई लोगों ने इसके बारे में बात किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। क्या सीधा केवल मनीष कश्यप ही दिख रहे हैं? क्या बिहार सरकार को लग रहा है कि मनीष कश्यप से खतरा है? बिल्कुल, पहले दिन से ही हम लोग इस पे नजर बनाए थे, और मनीष कश्यप से पहले भी कई ऐसे मंत्री, सांसद, विधायक ट्वीट कर चुके थे जो भी कुछ हुआ साउथ में हिंदी भाषियों के साथ या उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों के साथ, वहां पे किस प्रकार से ज्यादती की गई, उनको मार के वहां से भगाया गया और उन्हें भागने के लिए मजबूर किया गया। तो क्या एक पत्रकार का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो सच्चाई दिखा सके? अगर मनीष कश्यप सच्चाई दिखाए हैं, अगर मनीष कश्यप सच्चाई पे बात किए हैं, और उनके ऊपर तेजस्वी यादव जो कि नवीं फेल है, नवीं की परीक्षा भी पास नहीं कर पाया, ऐसा उप मुख्यमंत्री मनीष कश्यप ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसने का प्रयास करता है, तो मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा, बिहार के लोगों से, कि ऐसे नवीं फेल, आठवीं फेल, सातवीं फेल, पांचवीं फेल, जिनको बात करने नहीं आता, जो हरा कुर्ता पहन के और हरी टोपी पहन के निकलते हैं तो पता नहीं चलता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और मनीष कश्यप के समर्थन में आपको सड़कों पर उतरने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज एक मनीष कश्यप जेल चला गया तो आने वाले कई वर्षों तक कोई मनीष कश्यप बनने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसी तौर पे इस वक्त देश के जितने भी वामपंथी पत्रकार और वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, सबके सब अपना काम धंधा छोड़ के केवल मनीष कश्यप के ऊपर टूट पड़े हैं कि कैसे भी करके इसको अंदर भिजवाया जाए, इसकी आवाज को दबाया जाए। तो क्या लगता है आपको, अगर कहीं ना कहीं मनीष की आवाज दबती है तो कहीं ना कहीं ये 125 करोड़ हिंदुओं की आवाज दब जाएगी? बिल्कुल, तरुणाई के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो मनीष कश्यप के पीछे बिहार के तमाम नौजवान साथी, लाखों लाख करोड़ों नौजवान साथी खड़े हैं। मनीष कश्यप जिस तरफ रुख करेगा वो करोड़ों नौजवान साथी उस तरफ जाएंगे, और ये देखकर हरी टोपी वाले का को सदमा आ गया है। और ये ऐसे चाचा जी जो चाचू जान बन के फिर रहे हैं आजकल नवी फेल के, उनके ऊपर भी जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और ऐसे नौजवान साथी को अगर अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं तो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवा तुम्हारा विरोध करेंगे। और मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हो चाचा, आइए आपका स्वागत किया जाएगा यहाँ पे चप्पलों के मालाओं से,
चप्पलों के फूलों से आपका स्वागत किया जाएगा, और मनीष कश्यप के ऊपर अन्याय हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के नौजवान साथी खड़े हो जाएंगे। निश्चित तौर पे अगर बात करें हम मनीष कश्यप की, जिस तरीके से मनीष कश्यप कह क्या रहे हैं कि अगर मैं जेल जाता हूं तो निश्चित तौर पे जो ये बिहार की सरकार है, मिली जुली सरकार है, इसको मैं गिरा दूंगा, और वो भी महज 30 दिन के अंदर गिरा दूंगा। बिल्कुल, नौजवान में इतनी ताकत है, वो मनीष कश्यप नौजवान साथी, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो बिल्कुल बिहार की सरकार गिरा सकता है, क्योंकि उसके पास करोड़ों करोड़ नौजवान साथियों का साथ है। मनीष कश्यप कभी भी गलत नहीं किया है, मनीष कश्यप हमेशा न्याय की बात किया है, मनीष कश्यप हमेशा हिंदुत्व की बात किया है, राष्ट्रवादिता की बात की है, और इसलिए हम हर राष्ट्रवादियों का एक कर्तव्य बनता है कि मनीष कश्यप के साथ खड़े रहें। और अगर मनीष कश्यप ने ठाना है कि 30 दिन के अंदर सरकार गिराएंगे तो बिल्कुल हम लोग साथ हैं, और हम लोग बिहार की सरकार गिराने का एकदम मनीष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तेजस्वी को कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा है कि ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप अगले मुख्यमंत्री बन जाए। मनीष कश्यप कह भी रहे हैं कि मैं जीवन में आपको मुख्यमंत्री बनने ही नहीं दूंगा। बिल्कुल, नौवीं फेल व्यक्ति जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और मनीष कश्यप के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। मनीष कश्यप बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, और वो उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो बन सकते हैं। वाकया याद होगा, ये नौवीं फेल का भाई जो पांचवीं फेल है, उसने एक बिहार के पत्रकार हैं वेद प्रकाश, जो कि वामपंथी पत्रकार है, जो हिंदुत्व का विरोध करने वाले पत्रकार है, उनको तक दौड़ा दौड़ा के मारा था। इसका वीडियो सामने आया था, टीवी पर चला था, सब लोगों ने देखा था कि ऐसे पत्रकारों से इनकी दुश्मनी पुरानी है, वो चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे हिंदुत्व विरोधी हो, इन्होंने वेद प्रकाश को दौड़ा दौड़ा के मारा था। अब ये चाहते हैं, चूंकि ये मनीष कश्यप को हाथ लगाने की इनकी क्षमता है नहीं, तो ये अब कानूनी रूप से उनको जेल में ठूसना चाहते हैं, तो ये गलत है। हम लोग मनीष कश्यप के साथ हैं। तो साथियों, एक तरफ बिहार के कुछ वामपंथी पत्रकार हैं, या यूं कहें कि देश के वामपंथी पत्रकार हैं, जो मनीष कश्यप को चड्डी छाप पत्रकार कह रहे हैं। वो पत्रकार जो मनीष कश्यप को देख के बोलना सीखे, मनीष कश्यप को देख के माइक पकड़ना सीखे, आज मनीष कश्यप पे सवाल उठा रहे हैं। सराम आना चाहिए ऐसे तथाकथित और वामपंथी पत्रकारों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार के नहीं, पूरे भारत के राष्ट्रवादी पत्रकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और 125 करोड़ हिंदुओं की आप सशक्त आवाज है। निश्चित तौर पर दुनिया की कोई भी ताकत मनीष कश्यप को नहीं झुका सकती है। मेरा नाम आकाश है, आप लंका दहन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।